हाँ तो भाई, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ आपका भाई अर्जुन राठौड़ और स्वागत करता हूँ आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कावासाकी G125 के बारे में। ये जो बाइक है काफ़ी अच्छी बाइक है और कावासाकी की यार एक बेहतरीन बाइक में से मानी जाती है। अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है और आने वाले कुछ टाइम में लॉन्च होने वाली है। तो क्या इसमें इंजन है, क्या उसकी पावर है, तो सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। और इस वीडियो में थोड़ा सा आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि KTM 125 से इसका कंपेयर करें KTM 125 से तो कौन सी ज़्यादा बेटर है, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार बाइक रिलेटेड न्यू अपडेट्स एंड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई वीडियो का अपडेट आपके पास जल्दी जल्दी पहुँच सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं लुकिंग की। तो यार देख सकते हैं बाइक का लुक काफ़ी बेहतरीन है और दिखने में बाइक काफ़ी मस्कुलर है। KTM से अगर कंपेयर करें तो उसके मुकाबले यार मुझे इसकी जो लुकिंग है काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी बेटर लग रही है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि KTM ज़्यादा अच्छी लग रही है या फिर कावासाकी G125 अच्छी लग रही है। बात करें इसके इंजन की तो इसमें आपको मिलता है 125cc का इंजन। पावर मिलती है 15 PS की 10,000 RPM पे। टॉर्क मिलता है 11.7 Nm का 7,700 RPM पे। और इस बाइक में आपको 6 गियर्स मिल जाते हैं। और कंपैरिजन करें KTM से तो लगभग उतना ही है, लेकिन KTM में थोड़ा सा पावर कम मिलता है। वहाँ पे आपको 14.5 PS का पावर मिलता है और टॉर्क वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। 12 Nm का टॉर्क आपको KTM 125 में मिल जाता है। और दोनों बाइक में गियर तो सेम है, 6 गियर्स दोनों बाइक में आपको मिल जाते हैं। बात करें ब्रेकिंग की तो इस बाइक में आपको जो फ्रंट ब्रेक मिलता है वो मिलता है 290 mm का और जो रियर ब्रेक मिलता है वो मिलता है 220 mm का। दोनों तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें आपको ड्यूअल चैनल मिलता है, लेकिन जब ये इंडियन मार्केट में आएगी तो सिंगल चैनल ABS आपको इसमें देखने को मिलेगा। और कंपैरिजन करें KTM से तो उसके आसपास ये ज़्यादा डिफरेंस दोनों बाइक में नहीं है। इस बाइक में आपको जो टायर साइज मिलती है, फ्रंट में आपको मिलता है 100/80/17 का टायर और रियर साइड में आपको टायर मिलता है 130/70/17 का। तो जो टायर साइज़ है वो थोड़ी सी कम है यार KTM से, तो वहाँ पे थोड़ी सी KTM ज़्यादा बेटर है। बात की जाए सस्पेंशन की तो इस बाइक में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है और रियर साइड में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी KTM ज़्यादा बेटर है। फ्रंट में आपको USD सस्पेंशन मिल जाता है KTM के अंदर। इस बाइक में आपको डिजिटल कंसोल मीटर मिल जाता है, फुली डिजिटल कंसोल मीटर मिलेगा और इसमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी काफ़ी बेहतरीन मिलने वाली है। बात करें इसकी हेडलाइट की तो हेडलाइट इसमें यार हेलोजन टाइप मिलेगी, जो कि KTM में भी हेलोजन टाइप ही मिलती है। तो यहाँ पे दोनों बाइक सेम है। अगर कंपेरिजन करें इनके माइलेज का तो इसमें माइलेज थोड़ा सा बेटर मिलेगा आपको KTM से। इस बाइक में आपको 45 से लेके 50 तक का माइलेज आसानी से मिल जाएगा, हाईवे पे 50 का और सिटी में 45 का माइलेज ये बाइक आपको दे देगी। बात करें इसके टॉप स्पीड की तो टॉप स्पीड भी यार लगभग 130 तक आप मान के चलो, क्योंकि ये कावासाकी की बाइक है और कावासाकी की बाइक यार आप जानते हो काफ़ी बेहतरीन भागती है, काफ़ी शानदार भागती है। तो 130 के अराउंड इसकी टॉप स्पीड आप मान सकते हो। अब बात करते हैं कुछ डायमेंशन के बारे में। तो इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 815 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm का, व्हील बेस है 1330 mm का, जो इसका वेट है वो 146 kg का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर की। तो काफ़ी अच्छी इसके जो डायमेंशन है काफ़ी बेहतरीन है और जो रोड स्टेबिलिटी है वो काफ़ी बेहतरीन होगी इस बाइक की, इसका वेट है काफ़ी अच्छा है। अब एंड में बात करते हैं इसकी प्राइस की और लॉन्च डेट की। तो पहले बात करते हैं लॉन्च डेट की। तो यार अभी तक कावासाकी की तरफ से कोई भी न्यूज़ नहीं है कि बाइक कब लॉन्च होगी, लेकिन अगर अपन मार्केट को देखें तो यार अभी भी बेनेले की भी 125cc में एक बाइक आ रही है, KTM की बाइक ऑलरेडी है ड्यूक और RC125, और जो यामा है उसकी भी MT125 आने वाली है और जो R125 है वो भी आने वाली है। तो उस हिसाब को देखते हुए कावासाकी भी जल्द ही इसको लॉन्च कर सकती है, हो सकता है इस साल के एंड तक या फिर अगले साल के शुरुआत तक इस बाइक को लॉन्च किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्राइस की। तो इस बाइक की जो है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से इंडियन रुपीज़ में जो प्राइस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1,40,000 रुपये एक शोरूम। तो 1,40,000 रुपये एक शोरूम में आपको बाइक देखने को मिल जाएगी। और KTM से अगर कंपेरिज करें तो KTM भी लगभग इतनी ही प्राइस में आपको मिल जाती है। तो ये थी भाई इस बाइक की कुछ डिटेल्स एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ यार लाइक कर देना अपने भाई के वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और भाई एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों बाइक में से KTM में से और G125 में से आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, कौन सी ज़्यादा बेटर लग रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भाई अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाइक रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएंगे।
तो मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड स्लो।